दर्शकों का स्वागत है। हम मौजूद हैं चीका में, जहां आज गुना रोड पर लोगों ने एक रास्ते के मामले को लेकर जाम लगा दिया है। गत दिवस भी इस रास्ते के मामले को लेकर हमारे द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया गया था और लाइव टेलीकास्ट में हमने दिखाया था। अभी आप देख सकते हैं लोग जो हैं काफ़ी भीड़ भाड़ जो है सड़क के ऊपर खड़ी हुई है। संजय कॉलोनी, केशव नगर और अन्य जगहों के जो लोग हैं वो खड़े, महिलाएँ भी खड़ी हैं। महिलाओं से पूछते हैं कि जाम लगाने की वजह क्या है। जी क्या जी, क्या नाम है आपका? राजबाला। राजबाला जी, ये बताएं ये जाम क्यों लगाया गया आपके द्वारा? यूं रास्ते के लिए, रास्ता तो जो कल जो रास्ते का मामला था वही मामला ही वही है कल वाला। तो प्रशासन क्या कह रहा है? भी रास्ता दे दो, माना कड़ी को दे दो। आप बताएं माना रास्ता चाहिए। नाम गीता शर्मा, हमारी वो मांग है रास्ता दो, रास्ता दे दो। तो फिर जाम लगाना कोई सोल्यूशन थोड़ी होता है? जाम लगाने से तो आपके ऊपर उल्टी कार्रवाई नहीं रहना प्रशासन, तो इससे आपके ऊपर जो कार्रवाई हो जाएगी उल्टी, उसमें आप फिर कैसे करेंगे? वो देखी जाएगी जो होगी, तो पब्लिक के साथ है। जी जी, आपका क्या नाम है? आप बताएं। आप विमला जी, रास्ता नहीं मिला तो क्या जाम लगाना उचित है? जाम तो लगाना ही है, रास्ता नहीं मिलेगा जो, तो प्रशासन द्वारा यदि उल्टी आपके ऊपर कार्रवाई कर दी गई फिर रास्ता मिलने वाली बात भी खराब हो जाएगी आपके और यहाँ आप दिक्कत पेश आ जाएगी आपको। कोई नहीं जी, करेगी कर देगी भी, सारे हम होगी मार पे कल में थोड़ी होगी। देखिए किस तरह से महिलाएं हैं, ये एक जिद पर अड़ी हुई हैं कि हमें रास्ता मिलना चाहिए, चाहे जो मर्जी कार्रवाई होती रहे, कार्रवाई का उन्हें कोई डर नहीं है। महिलाएं इस बात को लेकर गुस्से में हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको ये साथ में, ये जो प्लॉट्स हैं यहाँ का मामला है, यहाँ एक रास्ते का मामला है। हमने कल शाम भी एक लाइव के जरिए दिखाया था कि यहाँ किस तरह से लोग उस रास्ते को लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बारे में हमने संबंधित प्लाट धारक डॉक्टर कमल से भी बात की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक का हाई कोर्ट में लड़ाई लड़के ये मामले में जीत दर्ज की है और उसके बाद ही उन्होंने अपने हक का हिस्सा लिया है और जो ये प्लाट है वो उनका हक है, उसे वो ऐसे वेस्ट नहीं जाने देंगे, जाए नहीं जाने देंगे। और भी लोग हैं, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस कर्मचारी जो हैं इस समय लगे हुए हैं। लोगों से भी बात करेंगे, लोग क्या कहते हैं। देखिए किस तरह से काफ़ी भारी भीड़ है, पुलिस कर्मियों द्वारा पूरी कार्रवाई इस समय की जा रही है, वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, क्योंकि रास्ते को जाम करना कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। और रास्ते के जाम किए जाने पर आजकल हरियाणा सरकार काफ़ी सख्त भी है लोगों के साथ। जो यह रास्ते को लेकर कार्रवाई चल रही है इसमें लोगों द्वारा जाम लगाया जाना उचित नहीं समझा जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर जो जाम ये लगाया गया है यह हम ठीक नहीं ठहराते। लेकिन लोगों ने मांग की है कि उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इस वजह से उन्होंने जाम लगाया है, तो उनकी मांग भी जायज़ कही जा सकती है। मांग नाजायज़ नहीं है, लेकिन उसको हासिल करने का तरीका जो है वो गलत है। रास्ते को जाम लगाना कोई सोल्यूशन नहीं समझा जा सकता। महिलाएँ हाजिर हैं, लोग हाजिर हैं। जी आपका नाम क्या है बताएं आप? लोग बात करने से बच रहे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा राजेंद्र कुमार है जी। राजेंद्र, जो रास्ता जाम किया गया है, रास्ता हासिल करने के लिए रास्ता जाम करना कहां तक उचित है? उचित तो सर पता क्या है, इस्तेमाल का टाइम का हमारा रास्ता है जी। हम कई बार प्रशासन को बोल चुके हैं लेकिन प्रशासन कान में जो नहीं रही थी, लास्ट में आकर हमने सड़क पर उतरना पड़ा। यदि बच्चा हमारा कोई बीमार हो जाता है, खुद बीमार हो जाते हैं, हमारे लिए गाड़ी जाने का सुविधा नहीं है कोई भी। प्रशासन आकर देखे कि अपनी गाड़ी निकाल कर दिखाए तो हम हर प्रकार के मानने के लिए तैयार हैं। तो राजेंद्र जी, ये रास्ता जाम करना कहाँ तक वाजिब है? अगर हमारा ये रास्ता नहीं जाम हुआ हम तो चौक पे भी लगाएंगे रास्ता। चौक पे आगामी कार्रवाई। राजेश ठाकुर, आप बताएं आप क्या कहेंगे? हम इस रास्ते के बारे में पूरी प्लानिंग है कि अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमारी ये माता बहनें सारी इकट्ठी हो रही है, महिलाओं किस तरह से रास्ता रोक रही हैं, दिखाते रहे हैं आप कैमरामैन से, कहूँगा वो दिखाएं रास्ता रोका जा रहा है महिलाओं द्वारा। जी वाहन चालकों की आवाजाही रोक दी गई है और स्कूटर मोटरसाइकिल पे जो लोग निकलना चाह रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है। जी राजेश, ये कौन से संविधान में लिखा जा रहा है कि किसी का जो इस्तेमाल का रास्ता है निशानदेही के अकॉर्डिंग, अभी तक किसी अफसर ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। 2 साल हो गए ये कार्रवाई करते हुए, कोई भी अफसर
सर ये आकर के ठोस नहीं कहता कि हम तुम्हारा रास्ता खाली करवाते हैं। राजेश, रास्ता हासिल करने के लिए रास्ता जाम करना कहाँ तक वाजिब समझते हैं आप? वाजिब तो अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो रोड पे आना पड़ेगा जी। सरकार के विधायक, अपने डीसी साहब, तहसीलदार साहब, सेक्रेटरी साहब सभी पे गुहार लगा चुके हैं रास्ता खाली करवाने की। आज करेंगे, कल करेंगे, काफी वर्षों के इनको कोई सुनवाई नहीं करते हमारी जी। रास्ता सीएम विंडो में भी रास्ता ना मिलने को लेकर, हालांकि गत दिवस जो हमारे द्वारा लाइव किया गया, लाइव तस्वीरों के जरिए इस मामले में प्रशासन द्वारा अब बातचीत की जा रही है। थाना प्रभारी हैं वो आए हुए हैं और कुल मिलाकर जो इस समय की आप तस्वीरें देख सकते हैं, चीका थाना प्रभारी आ गए हैं विकास कुमार। मैं कैमरामैन से कहूँगा चलते जाएं और दिखाएं लाइव तस्वीरें जो चल रही हैं। लाइव तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से जो रास्ते के मामले को लेकर यह कार्रवाई जो चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ पेड़ काटकर रास्ता जाम कर दिया गया था लोगों द्वारा, और रास्ता जाम करने का बड़ा कारण भी रास्ता ही बताया जा रहा है। लोग अब SHO चीका पहुंचे हुए हैं विकास कुमार, और उनके साथ जो है MC राजेश ठाकुर अभी इसी मामले को लेकर बातचीत कर रहे हैं। पब्लिक अब इन प्लाटों और इस रास्ते की तरफ बढ़ रही है धीरे 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 करके। ये पूरा मंजर और पूरा मामला हम अपने दर्शकों को लाइव दिखा रहे हैं। हम दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि गुला चीका में संजय बस्ती, केशव नगर और कुछ अन्य कॉलोनियां हैं जिनका एक रास्ता है, जो रास्ता पहले बिजली बोर्ड के द्वारा दबाया हुआ था, रखा हुआ था, क्योंकि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का कहना है कि उनका रास्ता संजय कॉलोनी वासियों द्वारा रोक लिया गया था, इसलिए उन्होंने इसको रोका था। लेकिन कल वो रास्ता नगर पालिका प्रशासन द्वारा खाली करवा दिया गया। रास्ता खाली नहीं हुआ बल्कि वो रास्ते की जगह, वो जगह प्लाटों को दे दी गई, और यहाँ हुड्डा के जो प्लाट्स हैं, हुड्डा के प्लाट्स में ये जगह दे दी गई। हुड्डा के तीन चार प्लाट्स हैं जिनकी नींव खुदाई कर दी गई थी, और जिसके बाद ये मामला काफ़ी बढ़ गया और मामला लगातार अभी भी जारी है। लोग आ जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में पब्लिक यहाँ पहुँची हुई है। चीका थाना प्रभारी को ये जो है इस समय दिखा रहे हैं विकास कुमार हैं, जो उन्हें मौका दिखाया जा रहा है कॉलोनी वासियों द्वारा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, अब ये सच्चाई है इस समय की, जो आप सच्चाई ये देख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ नाइंसाफी की बात कर रहे हैं लोग। SHO चीका से बातचीत की जा रही है और कई बार बात के जाने के बाद भी सोल्यूशन नहीं निकला। अभी नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंच रहे हैं, वीरेंद्र शर्मा पहुंचे हुए हैं, और पब्लिक देख सकते हैं आप किस तरह से पब्लिक यहां लगी हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि कैमरामैन एक बार दिखा दें यहां की तस्वीरें कि ये बिल्कुल सीधी लाइन में जो हैं, ये हुड्डा की बैक साइड है, हुड्डा 3 की वो बिल्डिंग्स हैं जहाँ ये रास्ते को लेकर पीछे की जगह को रास्ता बताया गया। उसके बाद ये जो जगह आपको दिखा रहे हैं, ये प्लाट्स जो यहाँ नींव की खुदाई की गई है, ये प्लाट्स का रास्ता अवैध बताया जा रहा है लोगों द्वारा, संजय कॉलोनी के लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि रास्ता गलत है, इस रास्ते पर ये प्लॉट नहीं काटे जा सकते। उधर सचिव ने ये कहा है कि उनके द्वारा सैटेलाइट के जरिए जो निशानदेही करवाई गई है, उस निशानदेही के आधार पर ये प्लॉट इधर निकलते हैं। तो काफ़ी मामला गरमाया हुआ है इस समय। गुला रोड पर जाम अभी भी लगा हुआ है, महिलाएँ खड़ी हैं, गाड़ियाँ रोक रखी हैं, और नायब तहसीलदार हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट सर, स्वागत आपका पंजाब केसरी में। हाँ जी सर, अभी हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं, ये पूरा मामला जो है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं क्या है। ये देखो जी, जो जितना नजायज कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कल हमने जो है ना इसको खुलवा दिया है जी। आगे जैसे भी कार्रवाई हुई, हम उसको सुचारू रूप से ठीक करेंगे जी। सर, जो आरोप लगा रहे हैं कॉलोनी वासी की, ये 6 फुट का जो रास्ता है वो उसको अवैध रूप से दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है जी। तो ये प्रॉपर निशानदेही जो हुई है एक ही लाइन में हुई है सर? एक ही लाइन में की गई है निशानदेही जी। तो सर, जो ये पिछले प्लॉट्स हैं, जैसे ये प्लॉट है, ये दीवार है, ये दीवार और उसमें 6 फुट का करीब अंतर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? इस बारे में नगर पालिका वाले ज़्यादा बता सकते हैं जी। तो ये नगर पालिका ने कब्जा दिलवाया है? बिल्कुल, नगर पालिका ने हटवाया कब्जा जी। जी, तो ये तकरीबन प्लाट की लेंथ और विड्थ क्या रहती है सर इसकी? इसमें 16, वो जो गोर का रास्ता है वो 16 फुट का है, 3 क्रम का जी। 3 क्रम का रास्ता है, और उसके बाद जो 6 फुट और बता रहे थे नाले की जगह जो है, वो तो चलो रिकॉर्ड देखने से पता लगेगा जी। जी, रिकॉर्ड देख के ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया सर। तो ये थे वीरेंद्र शर्मा, नायब तहसीलदार, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे। इन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा ही ये रास्ता जो है दिया गया, जगह दी गई है रास्ते की जो है, जो प्लाट दिया गया है,
और भी आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें जो हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं और मैं एक दो व्यक्ति को बुलाऊंगा ताकि और भी हम अपने दर्शकों तक वो बात पहुंचा सकें जो इसमें बारीकियां रखती हैं। छीका में संजय बस्ती, केशव नगर, महेश नगर और इस तरह की दो तीन जो रास्ते ये इस रास्ते से लगते हैं और रास्ता काफ़ी लंबे समय से बंद चला रहा है। सचिव द्वारा बातचीत की जा रही है, नगर पालिका सचिव हैं जो, वो इस समय नगर पालिका सचिव द्वारा बातचीत की जा रही है लोगों से। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहाँ का हाल दिखाते हैं आपको कि यहाँ जो अभी प्लॉट्स के लिए जगह काट दी गई थी, ये जगह लगभग उस दीवार से थोड़ी ज़्यादा है। बिजली विभाग की केबल्स भी कटी हुई हैं इसमें। बिजली विभाग से प्रशासन द्वारा कब्जा हासिल किया गया है, नगर पालिका प्रशासन ने कब्जा हासिल किया है। बड़ी देखने वाली बात यह है कि सरकारी विभाग से ही सरकारी विभाग कब्जा खाली कराए तो बड़ी सोचने वाली और देखने वाली बात होती है। ये इस तरह से एक लाइन कट गई है, ये पूरी की पूरी कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, जो पूरी लाइन है ये वहाँ से रास्ते से, ये ऐसे रास्ता बंद किया हुआ था और आगे ये बिजली बोर्ड की जगह आ गई है और बिजली बोर्ड से नगर पालिका प्रशासन द्वारा ये कब्जा खाली करवाया गया है। केबलें अभी कटी पड़ी हैं, ये देख सकते हैं आप, और हो सकता था कि ऐसा हो जाए कि कोई हादसा भी घटित हो सकता था क्योंकि कल शाम ये कल दिन में कब्जा खाली करवाया गया है प्रशासन द्वारा और बिजली विभाग से ये कब्जा खाली करवाते हुए प्लाट मालिकों को दिया गया है। प्लाट मालिकों द्वारा इसमें जब नीम डालने की कोशिश की गई तो संजय कॉलोनी के लोग आ गए और लोगों ने आरोप लगाए कि यह कब्जा करवाया जा रहा है और ऐसा होने पर लोगों द्वारा कल शाम आक्रोश भी दिखाया गया। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक स्थानीय हैं, क्या नाम है आपका? पंकज कुमार सर। पंकज, जो ये रास्ता है, रास्ते को लेकर मामला काफ़ी खिंचा हुआ है, पता चला है कि ये मामला कई साल कोर्ट में भी चलता रहा, अब जो है कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिए गए हैं कि जो ये प्लॉट धारक हैं जिनके द्वारा नीम खुदाई की गई है वो इसके मालिक हैं और इनको पीछे रास्ता ये जगह दी जाए और ये प्रशासन ने खाली करवा के दी है, नगर पालिका ने खाली करवा के दी है, बिजली विभाग से खाली करवा कर दी है। तो आप क्या इससे ताल्लुक़ रखते हैं? पीछे आम पब्लिक रहती है जो कि बहुत ही सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए सरकार से, उम्मीद है रास्ता खोलने की। कब से रिवायत चल रही है, पिछले 2 महीने बाद भी हमने SDM साहब को ज्ञापन सौंपा था रास्ते के खिलाफ, बीच में भी हुड डालों ने रास्ता बंद कर दिया आने जाने का, ये लोग बोलते हैं पीछे इंसान रहते ही नहीं है। तो जो ये 16 फुट का रास्ता बता रहे हैं वो कागजात में 16 फुट बोलता है, फिर वो जगह दबी हुई है, दबाई प्रशासन यानी कि बिजली विभाग ने दबाई। बिजली विभाग का कहना है कि 1975-76 से ये जगह उनके कब्जे में है, उनके द्वारा यहाँ कार्यालय बनाए गए, ये मशीनरी लगी हुई है, क्योंकि रास्ता ये है बिल्कुल बंद है। अब तक आप लोग कैसे चल रहे थे? अभी बीच में से ही प्लाट खाली, हुड्डा प्लाटों के बीच में से निकल रहे थे, हमने नगर पालिका से दरख्वास्त लगाई थी हमें बीच में से भी रास्ता दे दिया जाए ताकि आम जनता पब्लिक को परेशानी ना हो, मेडिकल की सुविधा के लिए भी रास्ता चाहिए होता है, अगर यहाँ पर कोई एम्बुलेंस वगैरह आए, FIR आ जाए, कोई गाड़ी नहीं आ सकती, इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत आती है रास्ते के लिए। और बिजली विभाग को भी कई बार नोटिस आ चुका है और यहाँ पर एक नाल है जो कि रास्ते के लिए ही दिया गया है वो रास्ता, और पीछे भी हुड्डा वासियों ने पीछे ही जगह कवर कर रखी है काफ़ी जी। तो अभी यहाँ जो आपके कॉलोनी के प्रतिनिधि हैं, जैसे आपके वार्ड के पार्षद हों, एक बार आप उनको बुला दें ताकि हम और क्लियर पिक्चर्स अपने दर्शकों को दिखा सकें और स्थिति को स्पष्ट कर सकें लोगों के सामने कि पूरा जो मंजर है ये क्यों घटित हुआ, क्यों लोगों द्वारा रास्ता जाम किया गया, क्यों लोगों ने ऐसा किया और ऐसा करना क्या उचित समझा जाए, ये एक सवाल है, व्यवस्था पर सवाल है, क्योंकि लोगों ने रास्ता जाम किया है रास्ता हासिल करने के लिए। रास्ता हासिल करने के लिए रास्ता जाम किया जाना हम किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराते, लेकिन जिस तरह से लोगों को तकलीफ़ें पेश आ रही हैं, लोगों को रास्ते को लेकर दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो उनके द्वारा दुखी होकर ही ऐसा किया गया है। इस मामले में गत दिवस भी काफ़ी गर्मा गर्मी गहमा गहमी छाई रही और अब भी जो मामला है वो काफ़ी और स्थिति में पहुंचा हुआ है। इस समय SHO चीका है, सचिव नगर पालिका चीका है, पार्षद बातचीत कर रहे हैं और भी लोग जो हैं बातचीत में लगे हुए हैं। इस रास्ते को लेकर काफ़ी मामला जो चीका में इस समय गरमाया हुआ है, काफ़ी बड़ा मामला है क्योंकि शहर के अंदर जो महिलाएं और स्थानीय कॉलोनी वासी हैं उनके द्वारा
गुला रोड को जाम कर दिया गया, जहाँ से एक तरफ का रास्ता भी जाम है और एक तरफ से ट्रैफिक चल रहा है। हालांकि लोगों द्वारा एम्बुलेंस को नहीं रोका गया, एम्बुलेंस को निकाल दिया गया, लेकिन पब्लिक अपनी परेशानी दूसरी पब्लिक को दे ये भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनको रास्ता हासिल हो जाए, अधिकारी पहुँचे हुए हैं। जी आपका नाम? विक्रम कुमार। नमस्कार दर्शकों। जी विक्रम कुमार, ये बताएं जो ये रास्ता जाम किया है, रास्ता जाम करना क्या आपको लगता है सोल्यूशन हो जाएगा? देखिए जी, ये महात्मा गांधी जी को जान माल का नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम जी शांति से रास्ते के लिए रास्ते को रोक रहे हैं। हमारा क्या किसी भी सूरत में रास्ता जाम करना उचित ठहराया जा सकता है? देखो जी, मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन जी इस तरह जी डॉक्टर कमल ने मेरे साथ जी कल गाड़ी गलोच किया है, आपके संज्ञान में ये मामला आ चुका है जी, कल भी आ चुका है, हमारे दर्शकों ने लाइव देखा था। आपके संज्ञान में मामला आ चुका जी। तो जी मेरा ये आरोप आपने लगाए थे, लेकिन आरोपों का खंडन डॉक्टर कमल ने किया है, उनसे हमारी वो करेंगे जी, वो करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, वो जी मेरे को देख ले रही तब की दे रहे हैं। जी जी जी, मैं देख लूंगा। सचिव निकल गए, मैं उनसे बात करूंगा। सचिव महोदय, राजेश कुमार जी, सचिव महोदय एक बार लाइव हमारे दर्शक देख रहे हैं, स्वागत है आपका पंजाब केसरी। नमस्कार सर। सर एक ये बताएं कि जो रास्ता लोगों द्वारा रास्ते को लेकर ही जाम किया गया है, कहां तक उचित समझा जाए उसे? जो भी लोगों की डिमांड है उसको हम पूरा करेंगे, इनके लिए ही हमने दीवार तोड़वाई है जी। लोगों का ये मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी कि जो हमारा रास्ता है वो बिजली बोर्ड के द्वारा दबा लिया गया है जी। हमने निशानदेही लिया, बाकी में बिजली बोर्ड के खंभे जो लगे हैं जी वो हटाने पड़ेंगे, तब लोगों का रास्ता खुल जाएगा। सचिव महोदय, बात ये आ रही है कि 6 फुट का लोग बता रहे हैं कि खाला है, कि उसकी पुलिया भी उसका गवाह है, पुलिया वहाँ बनी हुई है बता रहे हैं लोग, और दूसरा 16 फुट का रास्ता हो रहा है। तो फिर जो प्लाट मालिकों का रास्ता, आपने कल भी कहा था कि वो प्लाट मालिकों की जगह है, पवन जी थोड़ा साइड आ जाए। प्लाट मालिकों को भी जितनी उनकी हुड्डा से ली हुई जगह उनको पूरी करके देनी पड़ेगी नगर पालिका जी, बिल्कुल। और उसके बाद जो रास्ता है जैसा भी होगा, मैं दोबारा निशानदेही कराने के लिए तैयार हूँ जी। तो पब्लिक को सेटिस्फाइड करने के लिए आप तैयार हैं पूरी तरह से? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, शुक्रिया। तो ये थे सचिव नगर पालिका चीका, जिन्होंने पब्लिक को सेटिस्फाइड करने की बात कही है, लोगों के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लोगों को रास्ता खाली करवा के भी दिया जाएगा और लोगों के हक की उन्होंने बात की है। खैर, वो आने वाला समय ही बता पाएगा कि लोगों को रास्ता मिलता है नहीं मिलता, लड़ाई अभी जारी है। पार्षद पवन जुड़ चुके हैं। पार्षद पवन, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। आप ये बताएं कि ठीक है आपको रास्ता नहीं मिला, लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जाम लगाना कहाँ तक उचित है? जाम तो सर पब्लिक को कैसे रोकोगे आप जी? अब पब्लिक है, हम बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। पहले हमने शांति प्रिय बहुत से प्रदर्शन किए हैं, हमने यहाँ पे बिजली बोर्ड के सामने भी प्रदर्शन किया है, हमने एक बार एसडीएम के सामने भी प्रदर्शन किया है। जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो किसी चीज़ का तो कोई अंत होता है जी। तो पब्लिक का गुस्सा था, वो उन्होंने जाम लगाया, लेकिन जैसे ही प्रशासन ने हमें टाइम दिया, आश्वासन दिया कि हम 10 दिन का समय आप लोगों से लेते हैं और 10 दिन में आपका समाधान जो है हो जाएगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं पब्लिक को कि अपने घर जाएं वो और आराम आराम से अपने जाम को। अभी कुल 10 दिनों का समय प्रशासन ने आपसे मांगा है जी? सिर्फ 10 दिन का मांगा है उन्होंने। तो आप पार्षद 8 और 9 नंबर दोनों के ही पास पार्षद, आप वार्ड 8 के भी हैं, 9 के भी हैं, और किसी वार्ड से भी लगता है ये रास्ता? ये अभी तो 8 और 9 को ही लगता है जी, लेकिन ये पीछे जो स्कूल है केशव नगर है जी, और 3-4 स्कूल है, माता भनभोरी का मंदिर है, राधे राधे आश्रम है, ये पूरा रास्ता वहीं तक जाता है। अभी हम हुड्डा के बीच में से निकल के जा रहे हैं, अगर हमें ये रास्ता मिल जाएगा तो हमें परेशानी क्या, हमें क्या अब तक जो प्लाट्स के जरिए निकला जा रहा था, अब वो प्लाट कंस्ट्रक्शन होने लगी है। हाँ, वो उन्होंने जबकि अभी झगड़ा था, हमने उसको बोला भी था 4 बंदों ने कि भी आप अभी 2-3 दिन रुको, लेकिन वो बंदा अपने ज़्यादा वो वर्कर लेके आकर के और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। तो कल हमने रोकने की कोशिश की तो उसने बहुत गाड़ी गलौच भी की, एक व्यक्ति को उसने काफ़ी अभद्रवास किया और हमें भी पूरी कॉलोनी को उन्होंने वो भी बात हमारी हुई थी डॉक्टर कमल से। डॉक्टर कमल ने कहा है कि उन्होंने किसी से और कोई बात नहीं की, उन्होंने आपसे ही बात की है और आपके ऊपर जाति सूचक वाला कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि आप भी शर्मा हैं। नहीं, हम मेरे ऊपर नहीं किया। हाँ, मेरे को तो गाड़ी दी। उन्होंने ये कहा कि आपसे बात हुई है और आपसे ही सारी नहीं, मतलब मेरे से बात नहीं हुई। आप उसने वीडियो में रिकॉर्ड करके, अगर उसने डिलीट नहीं किया होगा, उन्होंने उस लड़के को पर्सनली बुला के कि तेरा नाम क्या है, उसने बोले कि मेरा नाम विक्रम है, तेरा डैडी का नाम क्या है, कह रहे मेरा डैडी है नहीं जी, किसका है, तो उन्होंने कहा वाल्मीकि का। उसने फिर अभद्र भाषा का कहा कि साले तू, मतलब अब मैं बोल नहीं सकता। जी 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 जी, मैं समझ सकता हूँ। तो दर्शकों को हम बताना चाहेंगे जी, तो ये साइड आ जाइए जी। पवन, आप अभी प्लीज़ थोड़ा साइड रहें। पवन, एक बात और बताएं, 10 दिन का टाइम प्रशासन ने दिया है,
प्रशासन 10 दिन में अगर आपका रास्ता खाली कर दे तो बहुत अच्छी बात कही जाएगी। और हम ये भी कहेंगे कि पंजाब केसरी टीम ने हर मुद्दे को ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते हुए उठाया है, चाहे ये मुद्दा यहाँ का हो या कहीं का भी मुद्दा होता है। और हमने कल भी आपका ये मुद्दा उठाया था और उस मुद्दे के बाद प्रशासन में थोड़ा सा हलचल भी हुई है और हलचल का रिजल्ट आपके सामने है। हालांकि पब्लिक ने सुबह रास्ता जाम कर दिया, ये हम फिर भी उचित नहीं कहते। तो अगर 10 दिनों में आपका जो रास्ता नहीं खुला तो आप क्या विकल्प रखेंगे? सबसे पहले तो हम पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद किया करेंगे, क्योंकि कल उन्होंने संजय कॉलोनी के और केशव नगर के लोगों की आवाज़ जो उठाई है और उस आवाज़ की वजह से ही आज हमारे पास जो है वो प्रशासन के लोग कुछ आए हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है 10 दिन का। और अगर 10 दिन में वो निकाल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जैसे हम 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं आगे फिर हम लगातार संघर्ष करते रहें। तो फिर क्या कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया जाएगा या इसी तरह से लड़ाई लड़ेंगे? कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लग चुके हैं, DC ने ऑर्डर किया हुआ है, उसके बावजूद भी या तो नगर पालिका का ढीला रवैया या फिर तानाशाही बिजली बोर्ड की किसी न किसी कारणवश से जो है ये रास्ता जो है खुल नहीं पा रहा। देखिए पवन, हमारे चैनल से और पंजाब केसरी समाचार पत्र से पूरा हरियाणा सरकार जुड़ी हुई है, पूरा प्रशासन जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े नेता जुड़े हुए हैं और जो है गृह मंत्री अनिल विज भी समय समय पर उनके हमारे TV में प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो क्या मैसेज आप लोग कन्वे करना चाहेंगे बड़े नेताओं को, उच्चाधिकारियों को, ताकि उनको स्थिति स्पष्ट हो सके? बात चाहे ULB की करें, अर्बन लोकल बॉडीज़ की करें, या फिर बात चाहे पुलिस प्रशासन की करें, क्या आप मैसेज कन्वे करेंगे, क्या मांग रखेंगे? हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि सभी हमारी मांगों को माने, सुने और हमें जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए, हमें प्रशासन से सिर्फ यही उम्मीद है। जी शुक्रिया जी। राजेश, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा रास्ता जल्द से जल्द खाली करवाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी बरसों पुरानी मांग है, बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, काफ़ी बरसों से प्रयास किए हम लोगों ने, CM विंडो तक लगाई, DC तक गए, सेक्रेटरी तक गए, सभी यानी कि हर व्यक्ति परेशान है। इस परेशानी को लेते हुए सभी ने ये जाम लगाया, मजबूरी में लगाया, और आगामी रणनीति उधम सिंह चौक की घेराव की है अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। धन्यवाद। हम फिर भी यही सुझाव देंगे कि जाम लगाना, घेराव करना कहीं कोई सोल्यूशन नहीं है। और अभी प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट जो बनाया है सरकार ने, उसके भी बहुत पेचीदा जो कानून हैं वो बने हैं। पब्लिक को नहीं चाहिए कि किसी भी तरह का कोई जाम लगाकर कोई नुकसान पहुंचाए किसी भी तरह का, तो हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे ऐसा कुछ करें आप, लेकिन सही तरीके से आप अपनी मांग रखें तो वो मांग भी पूरी होने की पूरी उम्मीद है। इस दौरान जो ये सड़क पर जाम लगाया गया शांतिपूर्ण तरीके से लगाया जाएगा, किसी को नुकसान नहीं किया जाएगा। राजेश, जाम जाम होता है, चाहे वो शांतिपूर्ण तरीके से लगाया जाए या वो रोषापूर्व लगाया जाए, जाम जाम ही होता है। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो कहाँ जाएं? रोड खाली करवाने के लिए रोड पे आना पड़ेगा। अंडरस्टूड है जी, शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद जी। आपका नाम? क्या नाम आपका? सोनी। सोनी, क्या रखते हैं आप, क्या कहते हैं इस बारे में? पूछने का तो क्या कहें, क्या मांग है रास्ते को लेकर आप? क्या मांग रखते हैं रास्ते को लेकर? पूछने जी, आप हमारी तो यही मांग है जी, सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे को ये रास्ता दिया जाए। हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम दीवार से ऊपर टपा टपा के उनको दवाइयाँ दिलवा के लाते हैं। जी, जी, जी। हमारे घर में कोई मौत हो जाए, परिवार में हो जाए, पड़ोस में हो जाए, अब उनकी संस्कार को तरसते हैं कि हम शमशान तक कहाँ तक जाएं, कौन सी दीवार से टपके उसकी बॉडी को संस्कार के लिए शमशान तक पहुँचाएं। बच्चे हमारे बीमार होते हैं, हम कहीं से रास्ता नहीं निकलता हमारे लिए, भटकते फिरते हम, आज दुखी हुए लास्ट में रोड पे आगे बैठे हैं, प्रशासन भी आया है, 2-4 पुलिस वाले जेंट्स आए हैं, हमारी लेडीजों को भी उन्होंने उठाया, उनके साथ लेडीज पुलिस भी नहीं है जी। वो हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है। नहीं, उन्होंने आपको कह के उठाया है, कोई ज़बरदस्ती नहीं उठाया, हम देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें चल रही हैं। आप पुलिस पर बेवजह के आरोप ऐसे नहीं, पुलिस होनी चाहिए, लेडीज पुलिस होनी चाहिए, होनी चाहिए, उनका फर्ज नहीं बनता। लेडीज पुलिस साथ लेके आए, हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं जी, वो उनको उठा रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस पर भी बेवजह का इल्ज़ाम कोई लगाया जाए वो भी उचित नहीं है। लेकिन अगर गलत होगी पुलिस तो हम गलत को गलत ही दिखाएंगे। मास्टर श्यामलाल जी जुड़ चुके हैं, काफ़ी लंबे समय से आप वहाँ पीछे रहते हैं, स्कूल भी आपका चल रहा है,
अभी तो खैर लॉकडाउन की वजह से सभी स्कूल बंद पड़े हैं, तो अभी जो है इस समय जो परिस्थिति है क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? बड़े दुख की बात है कि 1977 से हम यहाँ पे रास्ते के लिए घूम रहे हैं जी, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर 3 प्राइवेट स्कूल हैं, 1 गवर्नमेंट स्कूल है जी जी जी, और यहाँ से बच्चे दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में भी जाते हैं। दीवार के अंदर से रास्ता बनाया हुआ है, कभी भी वो बच्चों के ऊपर गिर सकता है जी। वो पब्लिक का दिखा दें आप थोड़ा सा, जो भी बीमार व्यक्ति हैं उनको भी बड़ी परेशानी आती है। हमारी माताएं बहनें वो उस रास्ते में से गुजर कर जाती हैं जो दीवार में से बनाया हुआ जी। तो सारी पब्लिक बड़ी चिंतित है, बड़ी परेशान है जी। तो अगर सरकार ही ऐसा करेगी, रास्ता रोकेगी लोगों का, तो आम पब्लिक क्या करेगी? फिर आम पब्लिक तो आपसे मिट जाएगी। बिल्कुल, तो सरकार को चाहिए अभी जल्दी से जल्दी ये रास्ता खाली करके, ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो इधर उधर आने जाने की। तो बड़े परेशान कर रखे हैं। और कल जो मतलब डॉक्टर कमल जी द्वारा वो आगे 6-7 फुट ये सरकाई गई है, ये भी बहुत गलत है। जब पीछे से सीध आ रही थी तो वहीं से उन्होंने लेना था। ये तो आगे सचिव नगर पालिका आज क्लियर करके गए हैं कि नगर पालिका द्वारा उनकी ज़मीन भी पूरी करके दी जाएगी, और अगर रास्ते में जगह निकलती है तो उसका भी सोल्यूशन किया जाएगा। हम सचिव महोदय का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, बड़े आभारी हैं कि उन्होंने हमारा पूरा विश्वास दिया है कि हम इसको बिल्कुल सही तरीके से वो करेंगे, किसी के साथ नाजायज नहीं होने देंगे। बिल्कुल माफ कर, जो आपकी जगह आपको जरूर दिलवाई जाएगी जी। तो इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी पता चला है कि एक्शन बिजली विभाग आए हुए हैं, और हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ अगर एक्शन बिजली विभाग आए होंगे तो उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि मामला ये है कि ये जगह अभी जो ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये खंभे लगे हुए हैं, ये पोल्स लगे हुए हैं, साथ में बिजली के जो काफ़ी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, वो सामने जो मेरे राइट साइड में कैमरामैन से कहूँगा वो जरूर दिखाएं कि यहाँ जो सामने ये है, यहीं से रास्ता जो है निकलना है। अभी तक लोगों द्वारा काम चलाया जा रहा था प्लाटों से निकलकर, और अब प्लाटों का रास्ते बंद होने की वजह से, प्लाटों में कंस्ट्रक्शन होने की वजह से वो रास्ते हो गए हैं बंद। और अब विकल्प एक ही बचा है कि या तो ये रास्ता लोगों को मिल जाए, या फिर रास्ता नहीं मिलने पर लोगों द्वारा यह तरीका अपनाया गया है जाम लगाने का। जाम लगाना हम फिर भी किसी सूरत में उचित नहीं ठहराते, और लोगों द्वारा अभी देखिए मिट्टी, प्लाटों की मिट्टी भरी जा रही है, ये आप देख सकते हैं। एक मिनट रुके जी, प्लाटों की मिट्टी भर रहे हैं लोग, भरना शुरू कर दिया अपनी कसियों से, और लोग जो हैं लगे हुए हैं मिट्टी डाल रहे हैं प्लाटों में। पार्षद पवन है साथ में। पवन, जो ये बंद किया जा रहा है, आप इसकी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि ये नजायज़ उन्होंने खोद दी है, बिना किसी उसके किसी कोई इसके इनके पास नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, रास्ते को बंद किया था। तो पब्लिक इसको बंद करना चाह रही है, क्योंकि ये कोई बच्चा गिर जाए, कोई गऊ गिर जाए आकर के, कोई जानवर आकर के गिर सकता है। तो ये तो जब प्रशासन कहेगा दोबारा फिर खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन एक्शन बिजली विभाग आए थे यहाँ? अभी नहीं आया, लेकिन हम अभी बिजली बोर्ड के विभाग के पास, अभी एक्शन के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो बाहर आए शायद हमारी बात सुने, उनके आगे भी हम अपने फरियाद को रखेंगे जी। पवन, शुक्रिया। तो एक्शन बिजली विभाग से अभी लोग मिलने जाएंगे, बिजली विभाग का भी कार्यालय ही समीप ही है, और हम कोशिश करेंगे कि बिजली विभाग के एक्शन से बात करें, SDO से बात करें। यहाँ यदि इस समय हम बिल्कुल कार्यालय के नज़दीक हैं, और कार्यालय में जरूर जाएंगे, कार्यालय में हो सकता है एक्शन या SDO कोई मिलते हैं तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि मामला पब्लिक से जुड़ा है, लोगों से जुड़ा मामला होने की वजह से मामले को हम दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक बार मैं फिर से जानकारी देना चाहूँगा दर्शकों को कि चीका में केशव नगर, संजय कॉलोनी और महेश नगर आदि कुछ एरिया पड़ता है, जिसको एक रास्ता लगता है। वो रास्ता काफ़ी लंबे समय से इधर उधर से निकलते हुए चल रहा था, प्लाटों के ज़रिए लोग बाहर निकलते थे, अंदर आते थे। अब वो रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर ली है, और संजय कॉलोनी के और अन्य कॉलोनी के जो लोग हैं जिनको ये रास्ता लगना है, वो काफ़ी परेशान चले थे। और मामला तब ज़्यादा भड़क गया जब अचानक कल शाम को प्रशासन द्वारा कब्जा खाली करवा दिया गया। देखते हैं SDO अगर हुए तो SDO से भी बात करेंगे, यहाँ SDO अभी नहीं है। तो बिजली विभाग के एक्शन का ऑफिस ऊपर है, लाइव तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। तो बिजली विभाग के एक्शन से हम बात करेंगे, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट में हम कहीं ब्रेक नहीं देते। नेटवर्क के इशू में अगर कोई ब्रेक हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि इस समय जो हैं कॉलोनी वासी हैं दोनों ही पार्षद राजेश ठाकुर और पवन शर्मा जा रहे हैं, पब्लिक भी आ रही है,
और विभाग द्वारा जो इस समय यह बिजली विभाग में पहुंचे हुए हैं और एक्शन बिजली विभाग जो हैं अजय कुहाड़ वो शायद अभी कोई बैठक ले रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक बार मैं यहाँ थोड़ा कहना चाहूँगा कि जो भी कर्मचारी यहाँ मौजूद है उन्हें मैसेज लगा दें, लाइव चल रहा है और हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे, मीटिंग चल रही है। कुल मिला के जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्शन बिजली विभाग गुला की हैं, यहाँ के कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। एक्शन अभी अंदर मीटिंग में मौजूद हैं और बैठक ले रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उन्हें बुलाएंगे, एक बार आप मैसेज जरूर लगा दें। तो कुल मिला के जो ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं चीका की, चीका में संजय बस्ती क्षेत्र है, संजय बस्ती कॉलोनी है, उसके साथ साथ केशव नगर व अलग कुछ कॉलोनियाँ हैं उनको रास्ता लगता है और ये कुछ जगह जो है बिजली विभाग के अंडर भी आती है। मैं कहूँगा कैमरामैन साथ चलते जाएं, पवन कुमार एमसी गए हुए हैं और एक्शन से हम बात करेंगे अजय पुहाड़ जी से, क्योंकि रास्ते का जो मामला है। सर नमस्कार, कपिल शर्मा पंजाब केसरी से, लाइव तस्वीरें चल रही हैं, लाइव आपको दर्शक देख रहे हैं जी। सर एक जो ये रास्ते को लेके इशू चल रहा है संजय बस्ती का जी, और बिजली विभाग का, उस पर थोड़ा सर आप अपनी तरफ से कुछ कहें। नहीं, ये जो रास्ते वाला जो इशू है ये कोर्ट के संज्ञान में आया है। ये हमें जो पता लगा था कि ये हुड्डा की ज़मीन है जो हमारे इंक्रोचमेंट में आ गई थी, तो इनका वो पत्र व्यवहार चलता रहा। उसके बाद हमने भी ये बात कही थी, जो हमारी बिजली बोर्ड की जो ज़मीन जो है जो लोगों ने जो एक्वायर कर रखी है, फिर हमें वो रास्ता दे दिया, हम इसको रास्ता को छोड़ देंगे, हम इसको हमें कोई इश्यू नहीं है। और ऊपर से जो मेरा ये बिजली घर जो बना है काफ़ी पुराना बना हुआ है, ये इसकी भी हमने एस्टिमेट हमने बना दिया है, इसका स्विच हाउस बिल्डिंग जो है ये मेरी दोबारा तैयार होनी है। तो तब हमने ये इनसे ये आग्रह किया था, ये रिक्वेस्ट करी थी कि जब तक मेरी बिल्डिंग नहीं बन जाती तो तब तक आप इसको चीज़ को आप इसको होल्ड पे रख लीजिए, 6 महीने की बात है। लेकिन कोर्ट में जब वो लोग जो जिस भी जो कोई डॉक्टर साहब बता रहे हैं जिसकी वो जो जगह है जिसने ये कार्रवाई करवाई है वो अपने कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने फिर जो आदेश दे दिया। अभी भी आपका काफ़ी सामान वहाँ लगा हुआ, बिजली बोर्ड का जो खंभे लगे हुए हैं और भी इक्विपमेंट्स कई तरह के लगे हुए हैं। कल मेरी एसडीएम साहब से, कल हम लोग एसडीएम साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी थी तो उन्होंने वो काम जो है जितना उन्होंने कल जो करवाना था उतना कार्रवाई करवा के उसने आगे के लिए होल्ड पर डाल दिया है। अभी होल्ड पर डाला हुआ है। तो सर जो ये रास्ते को लेकर लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि पहले ये प्लाटों के जरिए बीच में से निकल जाते थे, अब प्लाटों वालों ने अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, कॉलोनी वासियों ने बताया, तो अब रास्ता का विकल्प इनके पास यही बचता है। तो क्या लगता है कि भाई ये इनको खाली होकर मिल जाएगा? नहीं, ये तो आप मार्केट कमेटी वाले बता पाएंगे, इसके बारे में मैं तो नहीं बता पाऊंगा जी। मैं तो केवल अपने बिजली बोर्ड के ही जो मेरा दायरा है मैं उसी तक बिजली बोर्ड के अंडर जो इनकी जगह आती है गली के रास्ते की बता रहे हैं कि वो रास्ता बिजली बोर्ड के नीचे दबा हुआ है। तो यदि बिजली बोर्ड में हमने तो उनको बैक साइड से रास्ता दिया हुआ है, जो बैक साइड जो गली है हमने उनको दे रखी है जी। जी जी, राहुल वर्मा है एसडीओ, आप बताएं राहुल जी, थोड़ा क्लियर आप कर पाएंगे क्योंकि आप लंबे समय से हैं और पूरी जानकारी रखते हैं। जो रास्ते का ये पिछली तरफ से जो बता रहे हैं आपकी पीछे ये पिछली वाली दीवार है वहाँ से रास्ता है? ऐसा है जी, जो हमारी बिजली बोर्ड की ज़मीन है उस पर लगभग 61,000 स्क्वेयर फुट पे संजय बस्ती का अवैध कब्जा है, ये चीज़ हमें पता चली थी निशानदेही की रिकॉर्ड से। अब हमारा बार बार प्रश्न यही है, हम भी परसु बार बार यही कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन संजय बस्ती कब्जा छोड़ दे, हम साथ में इनका कब्जा छोड़ देंगे, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हमने इसके लिए जो ज़रूरती कॉरेस्पॉन्डेंस वो भी कर रखी है, परंतु यहाँ माननीय न्यायालय का आदेश था इनको हुड्डा को प्लॉट देने थी, इसलिए नगर पालिका के सेक्रेटरी से बात हुई, उन्होंने यहाँ से हमारी दीवार को हटा दिया, बाउंड्री वाल को उनको दे दी। दूसरी बात जो कहते हैं इसके पीछे जो नगर पालिका का रास्ता है, नगर पालिका का रास्ता अगर हम 16 फुट देते हैं उसमें मेरा स्विच ये जो कंट्रोल रूम के जो ये यार्ड है इसमें बिजली के इक्विपमेंट्स आ जाएंगे जिससे कि हमारी बिजली बाधित हो जाएगी पूरे शहर की, तो इनको हम ये नहीं दे सकते। दूसरी बात जो हमारा कब्जे पर संजय बस्ती ने कर रखी है 61,000 स्क्वेयर फुट, वो हमारे कंटिन्यू हम प्रशासन से टाई अप करके ताकि वहाँ से हमारा खाली कर दें, ठीक है जी। हाँ, कॉलोनी वासियों को आने जाने में समस्या नहीं है, बिजली बोर्ड के पीछे से गली जा रही है वहाँ से आना जाना वो कर रहे हैं। राहुल जी, कॉलोनी वासियों का कहना है कि कोई एम्बुलेंस वगैरह आती है या कोई महिला गर्भवती हो उसके आने जाने के लिए घूला रोड को यही रास्ता कनेक्ट होता है कि इधर से हुड्डा किसे होते हुए वो निकलते थे। ऐसा है जी, जब से ये बिल्डिंग बनी है, जब से बिजली बोर्ड बना है तब से एज इट ही चल रही है, 70s की बात है ये, आज से तो ये है नहीं, कंटिन्यू ये चल रहा है यहाँ पर इनक्रोचमेंट जो है। यहाँ से पहले संजय बस्ती कर रखा है, कब्जा उन्होंने कर रखा है, जितना रास्ता शुरू से है पीछे से गली है वो उनका चल रहा है कंटिन्यू, आने जाने में वो वहाँ से आना जाना कर रहे हैं,
जी राहुल जी, जो रास्ते को लेकर बात चल रही है, अगर इधर से आपके इक्विपमेंट्स खराब होते हैं, आपको दिक्कत आती है, तो जो आप बता रहे हैं कि पीछे वाला जो रास्ता है उसके, मेरे ख्याल से मुझे पता है जहाँ तक वो चौड़ाई कम है शायद, कि व्हीकल वहाँ से नहीं निकल पाते, तो क्यों ना फिर उधर से इनको रास्ता देके इनका विकल्प खोल दिया जाए। ये काम जी प्रशासन की हेल्प से ही कराएंगे जो हम करेंगे, क्योंकि बात है ज़मीन की जी, हमारी ज़मीन पे वहाँ पर कब्जा हो रखा है, प्रशासन SDM साहब से बात करेंगे, जो भी इसका अल्टरनेट होगा वो निकालेंगे जी। हम उच्च अधिकारियों के जरूरी विचार विमर्श और निर्देशानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया राहुल जी। जी कौन जी, आप बताएं। मैं ये कह रहा था कि जो कब्जा इन्होंने बोले हैं SD साहब जी, कि वो कब्जाधारी अलग है, मान लिया वो उनका है, तो उसकी वजह से जो केशव नगर वासियों का उनका रास्ता क्यों रोका? जी पवन जी, इस बारे में भी पूरी हम बातचीत करेंगे, SDM से भी बात करेंगे और उच्च अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि लोगों को उचित रास्ता मिल जाए। अगर ये रास्ता नहीं मिल, उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ, तो क्या उसके बदले में उन्होंने अवैध कब्जा करके रखेंगे? जी इसका विकल्प इसका यही निकलता है कि कोर्ट के जरिए आप जी। तो अभी हम अपने लाइव को विराम दे रहे हैं, क्योंकि लाइव काफ़ी लंबा हो गया, दर्शक एक चीज़ को लगातार देखते हुए बोर भी हो जाते हैं कई बार। हमने पूरे मामले को आप तक दिखाया, आप तक पहुंचाया, और जनता खुद तय करें, दर्शक खुद तय करें कि पब्लिक को रास्ता मिलना चाहिए।